इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। हम आज ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में विप्रो लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। बहुत ही मजबूत कंपनी है और लगातार इसकी परफॉर्मेंस शानदार है। दूसरी एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। विप्रो लिमिटेड में हमें फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी तो देखने को मिली, लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस गिरावट होने वाली है? क्या इस समय में विप्रो में निवेश करना चाहिए? हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है, कैसी है रिजल्ट की संभावना और क्या है विप्रो के आगे की रणनीति, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड में फ्राइडे को हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, तो क्या ट्राइडेंट में आने वाले समय फिर से गिरावट होगी या फिर ट्राइडेंट में अभी समय खरीदारी की सलाह हो रही है? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये चार स्टॉक है जो हमारी तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो स्टॉक 440 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है फ्राइडे के दिन, जहां पे हमें 1.03% की तेजी देखने को मिली और पिछले कई दिनों से विप्रो में शानदार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि विप्रो सिर्फ इंडिया के मार्केट में नहीं बल्कि US मार्केट में भी ट्रेड करता है और वहां पर हमें गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को। आप देख सकते हो कि 5.48 US डॉलर की प्राइस के ऊपर 0.27% की गिरावट थी और गिरावट के पीछे वजह थी US मार्केट में बड़ी गिरावट। दूसरी तरफ आप देखें तो काफ़ी दिन से अच्छी तेजी भी बन रही थी, लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, जल्दी यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनेगी। इस समय विप्रो खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को, 347 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक आपको 440 के आसपास मिल रहा है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे तेजी की संभावना बनती ही बनती है। अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं 2,38,149 करोड़ रुपीज़ का है। इसका पी रेशियो 20.68 है, PB रेशियो 3.62 का है, इंडस्ट्रीज पी 29.33 है, डेप टू इक्विटी 0.29 है, ROE इसका 20.18% है और EPS इसका 21.06 है। डिविडेंड कंपनी ने 1.38% का दिया, बुक वैल्यू 125.61 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। सबसे अच्छी बात यह कि कंपनी लगातार आपको अच्छा बोनस भी देती है, बार बार 2-3 साल में बोनस मिल ही जाता है। इस साल 2022 में बोनस की पूरी संभावना है, Q2 या Q3 के पहले आपको बोनस मिल सकता है, तो इस समय आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो जून 2021 में 18,252 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था, सेप्टेम्बर में इनका रेवेन्यू बढ़कर 19,667 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया, दिसंबर में इनका रेवेन्यू बढ़ते हुए 20,314 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 20,860 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया और जून 2022 आते यानी इस बार Q1 में इनका रेवेन्यू 21,529 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो इसके लिए बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ ट्रिगर है। यहाँ पे कहीं पर भी आपको कारोबार में गति में कहीं पे रुकावट दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे अगर इनकी प्रॉफिट की बात करें तो जरूर आपको यहाँ पे कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में 3,232 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था, सेप्टेम्बर में इनका प्रॉफिट घटकर 2,931 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया और दिसंबर में थोड़ी सी बढ़ोतरी फिर से हुई, 2,969 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला और मार्च में इनका प्रॉफिट बढ़कर 3,087 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया, लेकिन इस बार इनके प्रॉफिट में थोड़ी कमी रही यानी 2,564 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट रहा। यहाँ पे प्रॉफिट में कमी के पीछे वजह है US मार्केट में एक तरह से देखें तो वहाँ पे मंदी का वातावरण बना हुआ था और इसका नतीजा था कि इंटरनेशनल मार्केट में दबाव की वजह से कुछ IT सेक्टर में इस बार दबाव हर एक कंपनी ने हमने दिखाया है। नेटवर्थ को देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, जून 2021 में आप देख सकते हो 58,967 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ था, जो सेप्टेम्बर में बढ़कर 62,166 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया, दिसंबर 2021 में 65,393 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में 65,816 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया और जून 2022 में वो 68,689 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट में थोड़ा दबाव है, कोई फर्क की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, ये निवेश का मौका है। जिस तरह से आने वाले समय के लिए एक कमर कस ली है विप्रो ने, विप्रो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर कामकाज करने वाले, साथ में 5G के लिए सर्विस प्रोवाइड करने वाले, 5G के लिए उन्होंने ऑलरेडी कामकाज शुरू कर दिया है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय विप्रो एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी यही इशारा कर रही है, आप देख सकते हो 5 स्टार में से 4 स्टार मिल रहे हैं मास्टर रेटिंग के लिए, EPS स्टन इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 3 स्टार मिल रहे, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 रैंक है, तो ठीक है विप्रो के लिए आप देख सकते हो कि रेटिंग भी काफ़ी अच्छा इसमें खरीदारी की सलाह दे रही है
और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनाया विप्रो में, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय का ये डेफिनेटली मल्टीबैगर है और लगातार आपको अच्छा बोनस भी मिल रहा है, तो दाव लगाया जा सकता है विप्रो में और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे के दिन 40.25 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.95% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो कुछ दबाव था लेकिन इसके पहले अच्छी तेजी भी बनी थी और इस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 20,511 करोड़ रुपीज़ का है। एक समय ये छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था, अब कंपनी मिड कैप बन चुकी है। करंट प्राइस 40 रुपीज़ के आसपास है। आप इसकी हाई और लो की बात करें तो 19 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और 70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और कम समय में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। आप समझ सकते हो कि जिस कोरोना काल में ये मात्र 3 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक था वो 70 तक चला गया, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया। स्टॉक का पी 24.5 है, बुक वैल्यू 7.51 है, डिविडेंड 0.89% का दिया कंपनी ने, ROC इसका 23.40%, ROE इसका 23.40% और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल है। अब कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने पेपर में ऑलरेडी इसकी एड दे दी है। उनका कहना है कि आने वाली 19 अगस्त को हम इसकी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए, आपको डिविडेंड मिलेगा, ये मौका है खरीदारी का। यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी है। जून 2021 में जहाँ पे इनका सेल 1,482 रुपीज़ का था, वो मार्च 2022 में बढ़ते हुए 1,870 करोड़ तक पहुँचा है। ये बात अलग है कि दिसंबर में इनका काफ़ी अच्छा सेल था, इस बार थोड़ा सा दबाव है और ये पूरे के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में था। इसके पीछे वजह ग्लोबल मंदी है, साथ में इनकी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी थी जिस वजह से इनके प्राइस इनको बढ़ानी पड़ी और इस वजह से थोड़ी सी खरीदारी में कमी आई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। जून 2021 में 384 रुपीज़ का था, सितंबर में बढ़कर 411 रुपीज़ तक पहुंच गया, दिसंबर में थोड़ा सा कम हुआ, 406 रुपीज़ का इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, जो मार्च में घटके 338 रुपीज़ तक आया। इस बार रिजल्ट में भी हमें थोड़ी सी इसमें दबाव की संभावना बन रही है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून में 207 रुपीज़ का था और सितंबर में 235 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट और दिसंबर में 211 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट, जो मार्च में कम होते हुए 181 रुपीज़ तक आया। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी जरूर है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में पिछले दिनों दबाव था, लेकिन फिर भी कंपनी शानदार प्रॉफिट में की है और आने वाले समय ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 9% अप, 3 ईयर के हिसाब से 10% अप और TTM इसका 54% अप है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% अप, 5 ईयर के हिसाब से 20% अप, 3 ईयर के हिसाब से 31% अप और TTM 155% अप। तो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। स्टॉक प्राइस की CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 46% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 36% अप, 3 ईयर के हिसाब से 93% अप और 1 ईयर के हिसाब से 98% अप। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस CAGR भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% अप, 3 ईयर के हिसाब से 15% अप और लास्ट ईयर 23% अप। तो ये बहुत ही शानदार इसके उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। दूसरी बात देखें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रोमोटर की होल्डिंग 72.94% के, जो बहुत ही शानदार है। FI की होल्डिंग देख सकते हो कि लगातार बढ़ रही है, सितंबर में 2.14% की होल्डिंग थी जो लगातार बढ़ते हुए जून में 3.17% पहुंच गई है। DI की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो अब बढ़ते हुए 0.05% तक पहुंच गई। तो बड़े फंड हाउस ने भी जबरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया। जनरल पब्लिक की बात करें तो उसकी होल्डिंग फिलहाल थोड़ी सी कम हुई है पिछले क्वार्टर से, मार्च से 22.05% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.79% की होल्डिंग दिखाई देगी। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा कि आपको इसमें दाव लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बड़े फंड हाउस और यहाँ पे निवेश किया हुआ है, FI की अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ गई है, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इसने FD से शानदार रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी बहुत ही शानदार कंपनी देती है, साथ में एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ऊपर से इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं, यानी स्टॉक ASM लिस्ट से बाहर आ चुका है काफ़ी समय के बाद, बिल्कुल अभी फ्री है, यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए आपको। इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 5 स्टार, बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार। तो काफ़ी अच्छी इसकी रैंकिंग है, यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है, ये आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको REC लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 133 पर है, जहाँ पे 0.68% की तेजी देखने को मिल रही है। REC लिमिटेड की बात करें तो ये सरकार की एक पावर फाइनेंस कंपनी है, जो जितने भी डिस्कॉम है और पावर सेक्टर की कंपनियाँ उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 26,365 करोड़ रुपीज़ का है और यहाँ पे इसकी
हाई लो देखें तो 169 इसकी हाई है और 110 इसकी लो है। स्टॉक पी 2.58 है, बुक वैल्यू 260 की है। डिविडेंड आपको मिलेगा 8.60% का, ROC इसका 9.11%, ROE 21.2% और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी बुक वैल्यू से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है, तो यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 260 की है। फिलहाल स्टॉक आपको 134 के आसपास मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छी बात आप देखें तो कंपनी का सेल और प्रॉफिट लगातार बना हुआ है, अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है और काफ़ी मजबूती से कंपनी आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट रेटिंग देखिए तो 5 स्टार में से 3 स्टार मिल रहे हैं मास्टर रेटिंग के लिए। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार, तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है और बिल्कुल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी अब आपको बोनस देने जा रही है। 30/6/2022 इसकी अनाउंसमेंट डेट थी और इसकी एक्स बोनस डेट है 17/8/2022 और 18/8/2022 को इसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी 1:3 के रेशियो में आपको बोनस मिलेगा। तो बिल्कुल आपको मौका है खरीदारी का, 3 शेयर के ऊपर आप 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा और अभी टाइम है, जल्दी से इस स्टॉक में निवेश करें, काफ़ी मजबूत कंपनी है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 379 पर है, जहाँ पे 1.96% की तेजी देखने को मिल रही है और जैसे कि आपको पता है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऑलरेडी बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसकी अनाउंसमेंट डेट है 18/5/2022 और इसकी एक्स डेट है 19/9/2022। कंपनी आपको 425% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको यहाँ पे 8.5 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला, तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।